हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं टेंसेस की वीडियो 5 शेयर कर रही हूं और अब तक मैंने आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस डिस्कस किए हैं और आज उसी टेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक सेंटेंसेस, जो नहीं वाले वाक्य होते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, रमेश गाना नहीं गाता। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, या मैं कहूँ कि प्रश्नात्मक या प्रश्न सूचक वाक्य को इंटरोगेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज ही गो टू स्कूल, डू यू स्टडी इन क्लास 4th। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से पता चल गया है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे हैं और कौन से होते हैं। अब बताती हूँ कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो पहले देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यदि कर्ता, कर्ता मीन सब्जेक्ट, ही शी इट या एक वचन संज्ञाएं हों, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट ही शी इट नहीं है, अर्थात यू आई वी दे प्लूरल नाउन्स हो, तो हम डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। मैं गाना नहीं गाता, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इसी तरह से आपको नकारात्मक वाक्य बनाने हैं। अब बढ़ते हैं इंटरोगेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्यों पर। ये वाक्य भी डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनेंगे। बस डू या डज को बाहर निकालना है। बाहर निकालना मतलब सेंटेंस में सबसे पहले इन्हीं को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर डज हम सबसे पहले ले लेंगे, डज ही गो टू स्कूल। डज आपको सब्जेक्ट से पहले रखना है। क्या मैं गाना गाता हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग। इसके अलावा प्रश्नवाचक वाक्य हु, why, what, where, which आदि शब्द, जिन्हें हम WH फैमिली कहते हैं, इन सभी शब्दों से भी बनते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, whom do you want to meet, who does not love his country, what do you want, where do you live, which fruit do you like to eat। परंतु कई बार कुछ स्टूडेंट्स हिंदी वाक्यों में क्या देखकर भ्रमित होते हैं, तो मैं उन सभी के लिए ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब हिंदी वाक्यों में क्या वाक्य के बाहर होता है, तो उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इस वाक्य में क्या बाहर है, तो हम इसी टेंस को यूज करते हुए इसी का हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे और इस तरह से बनेगा, डू आई गो टू स्कूल। पर जब हिंदी वाक्य में क्या अंदर आता है, तो आपको व्हाट सेंटेंस के शुरू में लगाना होता है, अर्थात व्हाट से सेंटेंस को बनाना होता है, और WH फैमिली वाले वर्ड के बाद, जैसे व्हाट, हु, वेयर, इनके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या चाहते हो, क्योंकि क्या हिंदी वाक्य में अंदर है, इसलिए हम इसमें WH वाली जो वर्ड है व्हाट, उसको बाहर निकालेंगे और इसको बनाएंगे सेंटेंस को, व्हाट डू यू वांट। आप सुबह सुबह क्या करते हो, सेंटेंस होगा What do you do early in the morning? तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और आज का होमवर्क बस इतना सा है कि आपको सभी को 5-5 नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय डू, डज तथा WH फैमिली दोनों टाइप के आप सेंटेंसेस बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।